So talking about the next question, this question is question number 7 of set number 3. Set number 1 or 2 mein ye question nahi tha. Find how many 2-digit natural numbers are divisible by 7. AP ka question hai, is the same question humne abhi isi solutions mein kara hai, jisme tha divisible by 3 aur ye hai divisible by 7. So सबसे पहले हम ट्राई करते हैं एपी फॉर्म करने की. तो पहला 2-डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा वो होगा 40, क्योंकि पहला 2-डिजिट नंबर होता कौन सा है 10, 7 से डिविजिबल नहीं है, 11, 12, 13, 14, 14 जाके 7 से डिविजिबल है, ये 7 से डिविजिबल नहीं है. इसी तरह से अब लास्ट कौन सा नंबर होगा जो डिविजिबल होगा. देखो लास्ट 2-डिजिट नंबर होता है 99, 14 से डिविजिबल नहीं, सॉरी 7 से डिविजिबल नहीं है. इससे पहले होता है 98, सो 7 × 1 = 7 × 9, सो ये हमारा नंबर है जो डिविजिबल होगा. सो मतलब लास्ट 2-डिजिट नंबर जो डिविजिबल होगा वो हो गया 98. तो हमें काइंड ऑफ एपी मिल गई. लेट्स सी हाउ. फर्स्ट नंबर आपको मिल गया. अब 7 की डिविजिबिलिटी की बात हो रही है तो 14 के बाद 21 होगा एंड इस तरह चलते चलते लास्ट हो गया 98. तो अब हमारे पास एपी आ गई है. सो फाइंड हमें कौन सा क्या करना है, हाउ मेनी 2-डिजिट नंबर्स. हाउ मेनी 2-डिजिट नंबर्स का मतलब है आपको एन फाइंड करना है. ठीक है, ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं. ए एन होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, यही होता है. ए हमारे पास है, ए है 14 और डी फाइंड कर सकते हैं 21 − 14. वैसे भी हमें पता है 7 का गैप है तो डी हो गया 7. एनएथ टर्म हमें पता है 98 है. व्हेन ए 14 प्लस एन माइनस वन डी 7, सो ये हो गया 98 = 14 प्लस 7 × n = 7n − 7 × 1 = 7. सो यहाँ पे 14 में से इसको 98 ही रहने देते हैं. 14 में से 7 माइनस करेंगे, 7 प्लस 7n आ गया. दोनों में से यहाँ पे 7 इधर, यहाँ पे प्लस हो रहा है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा. सो ये हो गया हमारे पास 98. अब यहाँ पे हमारे पास आ गया 7 इधर प्लस में, इधर जाके माइनस हो जाएगा. तो −7 = 7n, इसको माइनस कर लेते हैं. ये हो जाएगा 7n = 98, में से 7 माइनस किया 91, सो n = 91/7. तो n हमारे पास आ जाएगा 91/7, डिवाइड कर लेते हैं, 7 × 1 = 7, 2 बचा 21 हो जाएगा, 3 जा तो n = हो गया 13. सो दिस मीन्स देयर आर 13 2-डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7. ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ सेट 3. इसके साथ एक चॉइस वाला क्वेश्चन भी था, तो अब हम उस क्वेश्चन पे आ जाते हैं. Now coming to the next question, sorry, question number 7, same question है, उसका choice वाला question है. तो next question तो है, but इसी की choice वाला है. If the sum of first n terms of an AP is n square, then find its 10th term. So हमें given है, Sn equal है n square के, आपको find करनी है 10th term, means a10 find करना है. तो क्या होगा a10, a plus 9. यही होता है, 9 n − 1 होता है तो 10 − 1 = 9 हो गया. अब इसमें सबसे सिंपल है, अगर मैं a और d निकालूं तो मैं आराम से निकाल सकती हूँ. सो ये जो Sn है, अगर मैं n = 1 रखती हूँ, n = 1 रखने का मतलब है, पेंसिल लिख लेते हैं, 1 का स्क्वायर मतलब 1. S1 क्या होता है, S1 होता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म. तो फर्स्ट टर्म का सम फर्स्ट टर्म ही हुआ, सो देयरफॉर यहां से मुझे मिल गया a = 1. इसी तरह से अब मैं n को 2 रखती हूं, जब हम n को 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर विच इज 4. सो अब मेरे पास 4 आ गया. 4 किसका है, s2 का मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स. जैसे अगर ये एक एपी है तो इन दोनों टर्म का सम जो है वो 4 है. सो मतलब पहली टर्म का और दूसरी टर्म का सम 4 है ना. तो अब दूसरी टर्म निकल जाएगी यहां से, पहली टर्म 1 है प्लस a2 = 4, सो a2 आ जाएगा 4 − 1 विच इज 3. तो मेरे पास अब सेकेंड टर्म भी आ गई जो कि है 3. तो अगर मैं एपी की तरह इसको लिखूं तो फर्स्ट टर्म है मेरे पास 1,
सेकेंड टर्म है थ्री, इस तरह से चल रहा है। फर्स्ट टर्म तो हमें चाहिए थी, सेकेंड टर्म से हम डी निकाल लेंगे। डी क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म थ्री है, फर्स्ट टर्म वन है, टू, तो हमारे पास डी आ गया और ए भी आ गया। टेंथ टर्म बहुत इजी निकल जाएगी, टेंथ टर्म हो जाएगा ए है वन प्लस नाइन डी, डी क्या है टू, सो दिस विल बी वन प्लस नाइन टू टू इज 18, सो ये आ गया 19, सो देयरफॉर द टेंथ टर्म इज 19। ओके, हमें टेंथ टर्म फाइंड करनी थी, वो हमने बता दिया कि 19 है। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ सेट नंबर 3। अब इसके साथ हमारा जो सेक्शन बी है वो कंप्लीट हो गया तीनों सेट में, अब हम स्टार्ट करेंगे विद सेक्शन सी।